हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ओरिफ्लेम में ऑर्डर कैसे डालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो हमें कंसल्टिंग नंबर और पासवर्ड तो मिल ही गया है। तो उसके बाद हमें ओरिफ्लेम की ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। हमने ओरिफ्लेम की ऐप डाउनलोड कर ली है तो हमें क्या करना है, ऑर्डर डालने के लिए ओरिफ्लेम की ऐप में जाना है। अगर आपको ओरिफ्लेम की ऐप ओपन करना नहीं आता तो मेरे पास वीडियो पड़ी है, अगर आता है तो ऐसे आप ओपन कर लेना। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको ये बीच में जो बैग बना हुआ है इस पे जाना है। बैग पे जाओगे तो इस तरह से आपको, जैसे मैंने ये कुछ प्रोडक्ट इसके अंदर भरे हुए हैं तो वो शो हो रहे हैं। ये नीचे कैटलॉग है, एक 15 रुपये में मिल रही है, एक 130 में मिल रही है। तो हमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट हमें लेना है वो यहाँ पे जब हम क्विक ऑर्डर पे ऐसे क्लिक करेंगे ना तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ से हमें उसका कोड, जो भी प्रोडक्ट लेना है उसका जो भी कोड हो वो यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है उसको टच करना है। टच करोगे तो ये देखो, ये प्रोडक्ट आपके बैग में ऐड हो गया है, ठीक है। उसका नीचे ये प्राइस भी आ रहा है कितने का है। फिर हमने ये कैटलॉग जो 130 की ये काट देनी है, 15 वाली मंगवा लेनी है। ये नेक्स्ट मंथ हमें ऑर्डर रेडी करने में हेल्प करेगी। तो जैसे मैंने ये और भी प्रोडक्ट डाले हुए हैं, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये दूसरा पेज आता है, यहाँ पे अगर हमें किसी भी तरह का कोई ऑफ़र मिल रहा होगा ना कि हमने पिछले महीने कोई 100 या 50 VP किया, तो वो यहीं पर मिलेंगे। यहाँ से हमें ऐड करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे एड्रेस पूछेगा कि आप किस एड्रेस पे पहुंचाना चाहते हो। तो होम एड्रेस है तो होम डिलीवरी कर देना। ये नीचे आपके जितने भी होम के एड्रेस हैं वो आ जाएंगे। अगर डिलीवरी टू फ्रेंड करना है, नया एड्रेस भरना है, तो प्लस पे निशान पे जाओ, ये पूछेगा। आप यहाँ पे उसका सारा एड्रेस भर दो और यहाँ से सेव कर दो, ठीक है, वो सेव हो जाएगा। और अगर आपका पहले से वो एड्रेस भरा हुआ है तो आप इस पे जाना है और जो भी एड्रेस हो उसको सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी एड्रेस पे भरना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ऑर्डर वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद हमने फिर से कंटिन्यू कर देना है। ये आपसे पूछेगा आपको UPI करना है, डेबिट कार्ड है, ई वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, कौन सा है, आप कौन सी चीज़ से यहाँ से पेमेंट करोगे। तो जैसे मैं UPI फ़ोन पे से ही करती हूँ तो ये UPI सिलेक्टेड ही है, तो हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर देंगे। ये मेरा एड्रेस दिखा रहा है जिस पे प्रोडक्ट जाएगा। यहाँ पे समरी दिखा रहा है, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट कितने का है वो दिखा रहा है। अब हमने ये, मतलब हमारा ऑर्डर अगर फाइनल है, हमने ये ऑर्डर करना है, तो हम पे पे जाएंगे। मेरा ऑर्डर सेव हो गया है, 2 घंटे के अंदर अंदर मैं इसकी पेमेंट कर सकती हूँ। और ये उसी टाइम मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि आपको पेमेंट करनी है। अब जैसे मुझे फ़ोन, अगर आपने पे बाई QR कोड होता है उससे करनी है तो इस पर सेलेक्ट करो, नहीं तो आप फ़ोन पे से भी कर सकते हो। फ़ोन पे भी करोगे तो ये यहाँ पे आपका एंटर योर UPI ID मांगेगा। आप अपनी UPI ID यहाँ पे कर दोगे, भर दोगे, तो यहाँ पे ये मेक पेमेंट लिखा हुआ है ये वाला, इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, ओके। तो जैसे भी आप करोगे तो यहाँ से आप पेमेंट करोगे तो ये हो जाएगी, आप खुद कर लेना, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं अपनी पेमेंट बाद में कर दूँगी यहाँ से, क्योंकि मेरा ऑर्डर 2 घंटे तक पेंडिंग में रहेगा। 2 घंटे के अंदर अंदर मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ वो वाला। अगर मैं 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेमेंट नहीं करती हूँ फिर वो कैंसिल हो जाएगा, मुझे दोबारा से ऑर्डर रेडी करके उसको कंटिन्यू करके और यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर उसकी पेमेंट करनी होगी।